दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है? यदि हाँ तो इसका प्रोसेस क्या है? तो ये एक नया हमने सेशन शुरू किया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए यूजफुल जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो यदि हमारा ये नया स्टेप आपको पसंद आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर लिखें, और या फिर आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी हमें जरूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी नियमों के अनुसार रिटायरमेंट के बाद में भी एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन इंक्वायरी करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हार्ड और टफ है। तो यहाँ पर सरकारी नियमों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाएगी, और यह कार्रवाई किसी ऐसी घटना के बारे में न हो जो इसे शुरू करने के 4 वर्ष से अधिक पहले घटित हुई हो। यानी कि रिटायरमेंट से पहले, यदि रिटायरमेंट से 4 साल पहले की कोई घटना है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की जाएगी। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि यह कार्रवाई ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान में की जाएगी जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाए, और वह ऐसी विभागीय कार्रवाई से संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी जिसमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान सेवा से बर्खास्त करने का आदेश देने का प्रावधान हो। यानी कि ये जो इंक्वायरी है वो उन सभी नियमों के अनुसार की जाएगी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सेवा में रहते हुए वो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है तो उसे नौकरी से निकाला जा सके। तो ये कुछ कंडीशन है, 3 से 4 कंडीशन, जिनके अनुसार एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद में भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि कौन से नियमों के अनुसार और क्या कंडीशन है जिसके तहत एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद में भी विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें,